चाइना में बड़ा ही अजीबो गरीब वाकया पेश आया। औरत जो के पहली दफा जहाज में बैठी थी, जहाज ने अभी टेक ऑफ नहीं किया, सिर्फ इंजन स्टार्ट था। फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी थी और खातून ने वॉशरूम जाना था। वो गई वॉशरूम ढूंढने, मगर वॉशरूम नहीं मिला। उसने वॉशरूम का दरवाजा समझकर इमरजेंसी का दरवाजा खोल लिया। इमरजेंसी का दरवाजा खुला और साथ में स्लाइड भी खुल गई। सारे पायलट, अमला और पैसेंजर हैरान रह गए। उसी वक्त जहाज की फ्लाइट मंसूख कर दी गई। 400 युआन हर मुसाफिर को देकर होटल में ठहराया गया और साथ में उसी औरत को उसी होटल में ठहराया गया। अब मजे की बात यह कि आप सोच रहे होंगे, जहाज का इमरजेंसी दरवाजा इतनी आसानी से कैसे खुला? ये इमरजेंसी दरवाजे इस तरह डिजाइन किए होते हैं कि वो आसानी से खुल जाए, क्योंकि वो पैसेंजर ने खोलने होते हैं और ये गाड़ी के एयरबैग जैसे होते हैं, खुल गए तो खुल गए। और इस तरह $28,000 का खर्चा लग गया। अगर इस औरत ने किसी और मुल्क में ये गलती की होती तो वो औरत इस होटल में नहीं बल्कि थाने में होती।